यार आज बात करेंगे रीप की, राजस्थान की। हाँ जी, बहुत सारे हजारों बच्चे ऐसे हैं आज जिनको एडमिशन लेना है, जिनकी रैंक है हजारों के अंदर रैंक है। अब भैया हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, स्पेशली थोड़ा डीप के अंदर डिस्कस करेंगे कैटेगरी वालों के लिए, स्पेशली जिनका ओबीसी कैटेगरी है, जनरली WS है, SC है, ST है। हाँ जी, पहले तो SC ST वालों की बात करते हैं। हाँ जी, आप पहले जो बच्चे तो टारगेट कॉलेज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पर डे हजारों कॉल्स आते हैं राजस्थान से, पेरेंट्स से, बच्चों के, भैया हमारे पास ये रैंक है, हमारे SC में इतना रैंक है, हमारे SC में 100 रैंक है, 200 है, 500 है, 1000 है। हाँ, ST के अंदर हमारा 600 रैंक है, 700 रैंक है, 800 रैंक है। हमको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, कौन सा कॉलेज रहेगा, जो ट्रेंडिंग में कुछ कॉलेज है जिनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वारी जा रही है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर, CTU उदयपुर, RTU कोटा, अजमेर के अंदर एक कॉलेज है, भीलवाड़ा के अंदर एक टेक्सटाइल का कॉलेज है, उसके बाद में कुछ प्राइवेट कॉलेज है। हाँ, एक आपको अच्छा कॉलेज बताता हूँ, दैट्स नेम इज NIIT टेक्नोलॉजीज, निमराना अलवर के अंदर आपको ये पड़ता है कॉलेज, काफी बड़ा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। NIIT टेक्नोलॉजीज की तरफ से कोई स्पॉन्सर नहीं है, 100% प्लेसमेंट का दावा करता है ये कॉलेज, फीस काफी ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, प्लेसमेंट का बोलता है ये मुझे कोई आइडिया नहीं, आप लोग देख सकते हो कैसा क्या कॉलेज है। उसके बाद में कुछ प्राइवेट कॉलेजेज है जो रीट में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि JCRC हो गया, आर्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, SKIT हो गया। हाँ, जयपुर पे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज आते हैं, उसके बाद जोधपुर के कुछ प्राइवेट कॉलेज है, अजमेर के कुछ प्राइवेट कॉलेज है, और उदयपुर के कुछ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज है। हाँ, इनके बारे में बच्चों की कुछ क्वारी जाती है। इसके बाद में जो लोकल कॉलेजेज होते हैं, जैसे कि हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, करौली, बांसवाड़ा, झालावाड़, भरतपुर, सीकर, नागौर, हाँ यहाँ पे कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के इतने कॉलेज हैं, आप पत्थर फेंक के मारोगे किसी ना किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को जाके लगेगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्पेशली जो बिहार के जो बच्चे हैं, यूपी के जो बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, वो इधर के कॉलेजों की तरफ ही अप्लाई करते हैं, चाहे वो राजस्थान की रीप काउंसलिंग हो, हाँ पंजाब की काउंसलिंग हो, गुजरात की हो, महाराष्ट्र की हो। खैर यार, बाहर वालों के लिए अलॉटमेंट आ रहे हैं, हमारा मुद्दा है रीप के बारे में बात करना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको TFWS सीट अलॉट हो चुका होगा, हाँ जी, जिनको कोई पैसा नहीं पे करना, सिर्फ और सिर्फ अपने एडमिशन के चार्जेस वगैरह देने हैं। भैया हाँ, आपका लाइब्रेरी का चार्ज हो गया, एडमिशन चार्ज हो गया, क्लासरूम चार्ज हो गया, घूमने फिरने का चार्ज हो गया, हॉस्टल का चार्ज हो गया, अलग फैसिलिटीज के चार्ज हो गए। हालांकि ये चार्ज मिल मिला के 4 साल के अंदर आपके 2 से 2.5 लाख रुपए पहुंच जाते हैं। हाँ हाँ, उसके बाद में आपकी BTech वाली जो फीस है वो ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख रुपए वो माफ हो जाती है, तो आप लोगों की जिंदगी में बिल्कुल आसानी आसान है। अच्छा हाँ, आप लोग अगर नौकरी भी नहीं लगो ना तो भी मतलब वसूल कर लोगे कैंपस के अंदर रह के, प्रोफेसर से पढ़ी के अंदर पढ़ के। सो यार डोंट वरी, आपको इसमें अंदर बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अब खैर उन बच्चों की बात करते हैं जो कि यार SC कैटेगरी से हैं, OBC से हैं, EWS से हैं। बहुत सारी यार ST कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम आप लोगों की रैंक होगी 300, 400, 700, 800 रैंक मैक्सिमम होगी, क्योंकि ST के अंदर बहुत कम बच्चे हैं, SC के अंदर भी बहुत कम बच्चे हैं। अब बच्चे कम हैं तो सीटें भी कम हैं, रिजर्वेशन भी काफ़ी कम रहता है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी रैंक SC में 150 है, ST के अंदर 200 है। अब यार 5% रिजर्वेशन रहता है, ठीक है। अगर जैसे MBM इंजीनियरिंग कॉलेज है आज, जिसके अंदर ST की सीट, अगर मैं बात करूं तो MBM के अंदर नॉर्मली अगर किसी ब्रांच में 60 सीटें या 40 सीटें तो उसका 5% जो सीटें हैं, ठीक है, 5% अशोक का 5% कितना होता है, 5 सीटें। अगर फॉर एग्जांपल के लिए 100 सीटें हैं MBM कॉलेज में तो 5 सीटें ST वाले बच्चों को अलॉट की जाएगी, ओके। उसके बाद में 18% सीटें या फिर 28% रिजर्वेशन जो भी रहता है XYZ, वो OBC का रहता है, EWS का भी कुछ रिजर्वेशन रहता है, उसके बाद में जो सीटें बच गई, ठीक है, आप लोगों की जो रैंक होती है EWS SC ST वो MBM का काउंसलिंग पोर्टल भूल जाता है, वो धड़ाम से जनरल के बेसिस पे आप लोगों को सीटें अलॉट कर देता है। हाँ जी, तो अगर आपके रैंक SC ST
EWS OBC के अंदर रैंक आ रही है 1300, 1200, 900, 800, 700, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको इन कॉलेजों में कुछ भी नहीं अलॉट होगा। उसके बाद में सीटें किनको अलॉट होगी, जिनकी जनरल के अंदर रैंक है, हाँ जी जनरल के अंदर जिनके रैंक है 1000 है, 1100 है, 800, 900, 700, 600, उन बच्चों को क्या होता है, उनको सीटें अलॉट हो जाती है। आपको लोअर ब्रांचेज हो, अच्छी ब्रांचेज हो, या जितने भी कुछ अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज है और कुछ प्राइवेट कॉलेजेज है, इनके अंदर आपको सीटें अलॉट हो जाएगी। ये जो भी नॉर्मल प्रोसेस है आपको समझ आ गया होगा अभी तक। एक आपका अपग्रेडेशन राउंड होता है, एक नॉर्मल राउंड होता है, बस काउंसलिंग खत्म। उसके बाद क्या होगा यार, एक स्पोर्ट एडमिशन होगा, एक स्पेशल राउंड कंडक्ट होगा, जहाँ पे आपको जो है सीटें अब नॉर्मली कैंपस के अंदर जाना है और आपको वहाँ पे अप्लाई करना है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ ही सीटें रहती है। लोअर ब्रांचेज के अंदर 20, 40, 50, 100, 150 सीटें रहती है, तो आप लोग वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। ठीक है यार, राजस्थान की अगर बात करूँ, काउंसलिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेट है। आप लोग अगर वेट करोगे तो 9वां महीना आ जाएगा। पंजाब के अंदर क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, महाराष्ट्र के अंदर काउंसलिंग चल रही है, यूपी के अंदर काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आप लोगों को ऐसा करना चाहिए, जो भी बच्चे हैं जिनके कम रैंक है, एक तो हाँ जिन्होंने जेई का एग्जाम ही नहीं दिया, जिन्होंने CUET का एग्जाम दिया, तो वो उसकी तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपको उधर जो है BA, BSc, BCom, BEd, BSc, MSc मिलेगा। आप लोग क्या करो, पंजाब के कुछ कॉलेजेज आप जा सकते हो, कुछ अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज, पहले भी मैंने आपको बताया, हाँ जी, जैसे कि IK गुजराल हो गया, अमृतसर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, आप ज्ञानी जेल सिंह कॉलेज हो गया, उसके बाद में बहुत सारे अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, आप उनकी तरफ टारगेट कर सकते हो। क्योंकि पंजाब के जो बच्चे होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं यार कनाडा की तरफ, IELTS, PTE देके, वहाँ की जो सीटें रहती हैं वो खाली रहती है। महाराष्ट्र के अंदर मेजोरिटी कॉलेजेज जो है इंजीनियरिंग कॉलेजेज, 500 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा कॉलेज महाराष्ट्र के अंदर ही है। उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली के कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है, उधर की तरफ आप लोग जा सकते हो। वैसे आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, जैसा कि पहले की वीडियो मैंने आपको बताया है, आप लोगों को बहुत सारे यार पेरेंट्स के हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, स्पेशली राजस्थान से, बिकॉज आई एम फ्रॉम राजस्थान। काफी सारे पेरेंट्स से पूछते हैं, भैया जी हमारे जो है अब बच्चे के रैंक आ रही है 800 रैंक 900 रैंक, काफी सारे ऐसे बच्चे जिनके 14,000 रैंक है, 13,000 12,000 10,000, भैया जनरल रैंक है, OBC में 3,000 है 4,000 5,000 है, 1800 रैंक है, जनरल के अंदर 8,000 10,000 12,000, हमको ये टॉप प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाए CSE ब्रांच तो हम ले ले, हाँ हमको गवर्नमेंट कॉलेज में लोअर ब्रांच भी मिल जाए तो हम ले ले, तो यार वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 10 कॉलेज है और अप्लाई करने वाले 14-15 हज़ार है। 15 हज़ार का तो एक बच्चा मेरे पास आया जिसकी रैंक 15 हज़ार है, अब टोटल एप्लीकेंट्स कितने हैं आई डोंट नो, लेकिन 15 हज़ार तक तो मिनिमम पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं। ये जितने भी टॉप कॉलेजेज हैं, जैसे कि SKIT हो गया, JCRC, पूर्णिमा, आर्या, ठीक है, जो भी प्राइवेट कॉलेजेज है, ये भी बहुत ज़्यादा रैंक्स तक नहीं जाते, ठीक है, इनका भी एक मैनेजमेंट कोटा भी होता है, लेकिन इसके अंदर ऑलमोस्ट 15% सीटें रहती है, थोड़ी आप लोगों की फीस भी ये लोग ज़्यादा ले लेते हैं, हाँ, तो आप उसकी तरफ ट्राई कर सकते हो। रीप काउंसलिंग की यार अगर मैं बात करूँ तो अब इनका जो CSE वगैरह है वो भी काफ़ी कम रैंक पे क्लोज हो जाता है। आप अगर रीप की बात करोगे तो एवरी एस्पिरेंट जो बच्चे हैं उनका चॉइस फिलिंग अगर मैं आपको बताऊँ, काफ़ी सारे बच्चों की चॉइस फिलिंग जब मैंने देखा, MBM का CSE, चाहे उसका 6,000 रैंक हो 10,000 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डालेगा MBM का CSE, ठीक है, CTI का CSE, RTU का CSE, अजमेर का CSE, उसके बाद में SKIT का CSE, JCRC का CSE, आर्या का CSE, पूर्णिमा का CSE, यार इस प्रकार से चलता रहा ना तो उनका तो CSE ऑलमोस्ट मैक्सिमम 500-600 पे क्लोज हो जाएगा। हाँ तो यार उनके भी ये जो टॉप ब्रांचेज है वो काफ़ी लो मार्क्स पे क्लोज हो जाती है, मैक्सिमम आप 2000 रैंक मान के चलो। अब जिनके यार 14,000 रैंक आ रही है, 12,000 रैंक आ रही है, इंजीनियरिंग तो करना है, हाँ JEE वगैरह के चक्कर में पढ़े फिर से प्रिपरेशन करें, तो उनके लिए कुछ बेस्ट ऑप्शंस हैं, जैसा कि आप लोगों को क्या करना है। वैसे आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, आप लोगों की जो कंप्लीट काउंसलिंग है अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों में आपको एडमिशन दिलाते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ, पहले हमारे चार्जेस रहते थे 1999 रुपये, वो अभी सिर्फ 499 रुपये है। आप लोग वहाँ पे जाके इनरोल कर सकते हो। आप लोगों को एक कोड यूज करना है REAPHAPPY, आप लोग ये जैसे ही कोड यूज करोगे आपका प्राइस हो जाएगा 499 रुपए। इसके अंदर हम आपको क्या करते हैं,
आप देखो राजस्थान में बहुत कम ऑप्शंस है, ठीक है, बहुत ही कम कॉलेजेस भी है। तो मैं आपको कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्टें दे देते हैं भैया, ये गवर्नमेंट कॉलेज है और तुम्हारे मार्क्स के हिसाब से इन इन कॉलेजों में एडमिशन हो जाएगा। पंजाब के जो अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट भी हो रहा है, नौकरी भी लग रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, इनोवेशन भी है, टेक्नोलॉजी भी है, आपको उन कॉलेजों की लिस्टें दे देते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर, एडमिशन प्रोसेस, ऐसे अप्लाई करना है, क्लासेस बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट हो रही है वैसे पंजाब वालों की, तो आप लोग जो है उनके अंदर अप्लाई कर सकते हो। हाँ, उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट कॉलेज है, मध्य प्रदेश के, उत्तराखंड के, दिल्ली के, बेंगलोर, कर्नाटका के और महाराष्ट्र के, आप लोगों के पास काफी अच्छे कॉलेजेस की लिस्टें बन जाती है। फिर आप लोग क्या करो, फिर YouTube पे जाओ, हाँ YouTube पे सर्च करो भाई अच्छा कॉलेज कौन सा, मेरे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, प्लेसमेंट किसमें अच्छा है, स्टार्टअप को सपोर्ट कौन से कॉलेज में मिल रहा है, हाँ अच्छा अच्छा ये कॉलेज बहुत अच्छा है मेरे लिए, अच्छा इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, हाँ फिर आप वो सर्च करो, अच्छा आपने कोई कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, फिर आप जो हमारे एक्सपर्ट टीम मेंबर को कॉल करो, भैया मेरी ये रैंक आ रही है, मैं यहाँ से हूँ, मैं राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, पंजाब, मध्य प्रदेश, हाँ भागलपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ से हूँ और मैंने ये कॉलेज सेलेक्ट किया, मेरा ये रैंक है, इसका इतना फीस है, मेरे को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, फिर आपको जो हमारा जो काउंसलिंग एक्सपर्ट है वो भी आपकी हेल्प करेगा, भैया अच्छा अच्छा तेरे लिए ये बेस्ट है, अच्छा इसका ये प्रोसेस है, तेरा इसमें एडमिशन हो जाएगा और टिल लास्ट राउंड तक आपका एडमिशन करा देते हैं। एक लास्ट में बहुत बड़ा सवाल रहता है बच्चों का, वो एजुकेशन लोन, भैया एजुकेशन लोन कैसे लें, कौन सा बैंक की बच्चों के लिए कौन सा स्कीम बेस्ट है, वैसे हमारे लिए कौन सा स्कीम बेस्ट है, वैसे बैंक में जाते हैं, बैंक क्या चाहता है, इसको ज्यादा से ज्यादा कैसे काटूं, हां कौन सा स्कीम इसको चिपकाऊं, ज्यादा इंटरेस्ट वाला चिपका देता हूं, बैंक का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, और पेरेंट्स क्या चाहते हैं, भैया कम इंटरेस्ट हो, इजी ईएमआई हो, नौकरी लगने के बाद बच्चे आसानी से दे सके, हां तो वो कैसे करें, इसके लिए हमारे पास एसबीआई और आईसीआईसीआई के ऑफिसर्स हैं जो कि आपको पूरा कंप्लीट गाइड करते हैं, हाँ जी, वो भी सिर्फ 499 रुपए के अंदर, हाँ ये, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 1000 बच्चों के लिए ही अवेलेबल है, तो आप लोग जाके इनरोल कर सकते हो, आपकी सारी की सारी ऑलमोस्ट समस्याएं खत्म हो जाती है। आपको कोई सवाल है, आपके पेरेंट्स को कोई सवाल है, आप हमारे व्हाट्सएप करो, आपको एक स्पेशल प्राइवेट व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है, ये हेल्पलाइन नंबर वाला वैलिड नहीं होगा, हाँ कहीं आप इस पे चालू हो जाओ, आपको एक स्पेशल प्राइवेट हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है, आप उस पे कॉल करो डायरेक्टली या फिर आप व्हाट्सएप करो, हाँ आपकी क्वेरी आप 24 hours रात को 2 बजे, 3 बजे, 10 बजे, 12 बजे कभी भी करो, आपको विटन 5 hours के अंदर आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, भाई आपकी क्वारी ये सवाल है तेरा, अच्छा अच्छा ये कॉलेज तेरा ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, अच्छा तेरे को ये फॉर्म फिलिंग में गड़बड़ हो रही है, अच्छा तेरे को अलॉटमेंट हो गया, तेरे को ये कॉलेज मिला, इसमें प्लेसमेंट कैसा है, आप कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं बहुत सारे कॉलेजों के साथ हमारा कोलेब्रेशन है, हम बच्चों को जो है वहां से गूगल मीट पे भी बात करा देते, भैया अच्छा इस कॉलेज में प्रोफेसर अच्छा है, अच्छा ऐसा है ये, हाँ इसमें इतना इनोवेशन नहीं है, प्लेसमेंट नहीं है, प्रोफेसर आता ही नहीं, इतनी छुट्टी, बच्चे बंक मारते, नौकरी नहीं लग रही, कंपनियां नहीं आ रही, हाँ टीचर का कैसा बिहेवियर है, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, इसलिए फिर बोल रहा हूं मैं, कोई नहीं आपकी टक्कर में, पड़े हो किस चक्कर में, आज जरूर से जाके ज्वाइन कर लो, इंडिया के अंदर ऐसा पहली बार हो रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक आधे पिज्जा के प्राइस के अंदर आपकी जीवन की सारी समस्याएं आप सोल्व हो रही है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे ही आप 4 साल वहां पे गुजारोगे, 4 साल बाद आपकी एज ऑलमोस्ट 20-22 साल हो जाएगी, ठीक है, 4 साल बाद, तो यार थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा कॉलेज चूज करो, ठीक है, 4 साल बाद रहोगे, नौकरी का सलीका, ठीक है, दोस्त, रोजगार, पेरेंट्स, फैमिली, ठीक है, कहीं ऐसा भी ना हो कि आप लोग बहुत ज्यादा दूर चले जाओ, बहुत ज्यादा देश विदेश में किसी अदर स्टेट में, घर कबाओगे, ट्रेन, नौकरी, पैसा, क्या सारा सीन है, डोंट वरी, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहीं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, जरूर से जाके ज्वाइन कर लेना।